सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। तो आज का हमारा जो ब्लॉग है वो बन रहा है पहाड़ों में, जो सर्दियों में गाय के लिए जो घास इकट्ठा किया जाता है उस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब सर्दी आने वाली है, हमारे पहाड़ों या फिर जो भी गांव हैं और जो भी लोग गाय पालते हैं वो सर्दियों के लिए गाय के लिए घास इकट्ठा करते हैं, जिसको कि बहुत दूर दूर पहाड़ों से, जिन्हें कि हम यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में फाट बोलते हैं, वहाँ से लाया जाता है, फिर सुखाया जाता है और फिर मान कर उसे या तो इकट्ठा किया जाता है फिर या फिर भुजनों लगाए जाते हैं, जो कि पूरे घास के ऐसे ऊपर की ओर गोल जैसी आकृति होती है। तो आज मैं भी चला हूँ अपने ऊपर फाट की ओर, पहाड़ में बहुत ऊपर है, तो दिखाऊंगा आपको कैसा कैसा क्या है, जुड़े रहिएगा। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यह है यहाँ से रास्ता ऊपर के लिए, जहाँ की मेरे को जाना है। मुझे जाना है बहुत उन पेड़ों के पीछे से ऊपर वाले इस पहाड़ में। दूर है, चढ़ाई भी पड़ती है, तो आजकल तो लगभग हर एक लोग इस काम में बहुत ज़ोरों से लगे हुए हैं। एक तो आज थोड़ा इंद्रदेव भी क्या तो अपना रंग दिखाए, बादल ही बादल है, सूरज निकला ही नहीं है। ब्यूटीफुल, यहाँ पर आप पानी पी सकते, बीच रास्ते में पी सकते इस पानी को। मैं पी यहाँ से चला हूँ मैं ऊपर को। ये है रास्ता यहाँ से, उधर है मंजिल, उधर जाना है मेरे को ऊपर। वहाँ से व्यू दिखाएंगे नीचे का कैसा क्या है सब कुछ। उधर है सेब का बगीचा, वो वाला है सेब का बगीचा, देखो पूरा ऊपर है नीचे तक। अब चढ़ना है मुझे यहाँ से ऊपर को, यहाँ आ गया आ गया। ये देखिए उधर पापा जी कहाँ पर है, ऐसे इधर काटे ना घास इस जगह पे। ये देखिए इनको बोला जाता है फाट, मेरे लिए दो बरोटू जो कि मेरे को घर पहुँचाने तैयार हैं। पहले मैं एक रोटी पहुँचाऊँगा आधे रास्ते तक, फिर दूसरे के लिए आऊँगा, दोनों पहुँचाने मेरे को घर। अब देखते हैं आगे से व्यू कैसा है। तो ये देखिए इधर नीचे जो बांध के पेड़ दिख रहा है आपको, वहाँ से मैं आया था ऊपर को यहाँ फाट के लिए, और अब यहाँ ऊपर पहुँच चुके हैं। और यहाँ देखिए कैसा है, एकदम खड़े हैं नीचे बाबा घास काट रहे हैं, और उधर मेरा पोछा मेरा इंतज़ार कर रहा है कब मैं इसे उठाऊं और घर पहुंचाऊं। अब मैं वापस आधे रास्ते तक पहुंच चुका हूं, इस टाइम पे पीठ में है बोझा, देख सकते हैं आप। चला हूं मैं नीचे की ओर, अब फिर से यही चढ़ाई चढ़नी है मेरे को। आधे रास्ते तक मैं इसको रखूंगा पहुंचा के, फिर से ऊपर की ओर दूसरा भरोटू के लिए आऊँगा। इस टाइम मैं पीठ में बोझा, जो कि
अब बस मैं पहुंच गया बावड़ी के पास। यहाँ पर रखूँगा मैं ब्रोटू को, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, फिर जाऊँगा ऊपर को दूसरे के लिए। ये देखिए इधर रखूँगा मैं इसको। अब चले हम दूसरी बारी के लिए, पहला वाला हम नीचे पहुँचा दिया, अब है दूसरा बोझा पीठ पे, उसको लेके चला हूँ मैं। दिखा तो नहीं सकता क्योंकि मेरी पीठ पे, घर पहुँच के दिखाऊँगा कितना बड़ा था इसका वजन। मेरे को दूसरे वाले से ज़्यादा लग रहा है क्योंकि पीठ तो ऐसे इतनी झुक गई है कि क्या कहें, बहुत ज़्यादा झुक गई। चले हम अपने घर की ओर, अब बस इस वाले को मैं सीधा घर पहुँचाऊँगा, फिर बाद में घर से दूसरा वाला उसके लिए आऊँगा। ये देखिए ये है मेरा पहला बोझा जो मैंने आधे रास्ते में पहुँचाया है, बावड़ी के पास रखा है। अब इस जो मेरी पीठ में बोझ जाए इसको मैं सीधे घर लेके जाऊँगा। ये यहाँ पर मैंने पहला रोटू पहुँचा दिया है, देखते हैं कितना बड़ा था। ये मेरा पहला ब्रोटो जो कि मैंने पहुंचा दिया घर में। अब जाऊंगा मैं दूसरे के लिए, तो मिलते हैं उसके पास। अब पहले वाले उसको पहुंचाने के बाद दूसरे के लिए मैं पहुंच गया हूँ। टाइम हो चुका है 11:26 और इतने दिन तक चला है काम। ये देखिए यहाँ पर मेरा वेट कर रहा है, डालते हैं इसको पीठ में, तब मिलते हैं आपको घर में। आओ वाला कोई ज़रा काम करने यार, थक गया मैं। एक मैंने पहुँचा दिया, अब मैंने दूसरा भी घर में पहुँचा दिया है, देखते हैं भले ये कितना बड़ा ब्रोटू है। थक जाते यार, इन दोनों में से बड़ा ब्रोटू ग्रेस कीजिए कौन सा वाला है। एक है ये, एक परे वाला है ना, एक ये वाला है। कम से कम 15-20 पूरे तो नॉर्मल है दोनों में। अब बड़ा छोटा देख लीजिए आप। ये देखिए यहाँ पर सारा घास सुखाने के बाद और उसे अच्छी तरह से पूर्ण रूप में बांधने के बाद अब इसका भुजन लगाया जा रहा है, या इसे टूंका भी कहते हैं। ये देखिए अब लग रहा है बस लग चुका है, अब एंडिंग चली है। पापा जिस टाइम एकदम टॉप पर है भुजनों के, एक पाइप जैसी खड़ी की गई जिसके आसपास से पूड़े लगाए जा रहे हैं। यह गांव में एक टेक्निक होती है जिसके द्वारा के पूड़े सर्दियों के लिए इकट्ठे किए जाते हैं और ना ये गिरते हैं, और ऊपर से जो घास चल रही है ना बारिश की बूंदें इसके अंदर गिरती है और घास एकदम सेफ रहता है। ये देखिए आज हमने करीब 500 पूड़ों का यहाँ पर भुजन या टूंका जिसको बोलते हैं लगा लिया है, ये सर्दियों घास के लिए। पापा जी ने यहाँ पर इतने ऊपर तक गए हैं और लगा लिया, बॉर्डर तो ऊपर हिलता है ऊपर जाके। करीब 400 कर पूड़े, 400-500 स्टार्ट है, मिनट लगा नीचे चले। इस टाइम पे दरअसल मम्मी जी रिकॉर्ड कर रहे थे, वो वीडियो में थोड़ी ये है उंगली आ गई है इसलिए सॉरी। इस टाइम पे पापा जी उजुन से नीचे को उतर रहे हैं, देखे एक लकड़ लगाया गया और वहाँ से वो उसी साइड को उतर रहा है। तो करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड, सो बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।